महंगाई, बेरोजगारी और उद्योगपति अडानी के मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी। इसके लिए प्रदेश भर से कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता राजधानी लखनऊ पहुंच रहे हैं। हम इस समय कांग्रेस कार्यालय के बाहर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं सुबह का वक्त है, लेकिन यहां आज कांग्रेस कार्यालय पर हलचल देखने को मिल रही है। ये प्रदेश मुख्यालय है कांग्रेस का, इसके पास में ही एक बड़ा सा होल्डिंग भी लगा हुआ दिख रहा है जिस पर लिखा है भ्रष्ट यार बचाए सरकार, 13 मार्च चलो राजभवन। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये आह्वान किया गया, अपील की गई है। और इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बृजलाल खाबरी और तमाम जो नेता हैं, जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, वो सभी मौजूद रहेंगे। हालांकि कांग्रेसियों को यहीं पर रोकने के लिए भी पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी की हुई है। आपको उसकी तस्वीरें भी दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस की जो गाड़ियाँ, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की बसें, वो मंगा ली गई हैं, क्योंकि ये कोशिश है यहाँ पर पुलिस प्रशासन की कि जो कांग्रेसी हैं वो राजभवन तक ना पहुँच पाए, उसका घेराव ना कर पाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ बैरिकेटिंग भी पास में रखी हुई देखी जा सकती हैं, पुलिस के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगे हुए हैं। और सुबह से ही ये नज़ारा जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आसपास की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि एक और ये पीएसी की गाड़ी जो है वो मंगा ली गई है यहाँ पर। पीएसी को भी तैनात किया जा रहा है कि यहीं पर कांग्रेसियों को रोक लिया जाए। हालांकि जो कांग्रेसी है उनका साफ कहना है कि हम रुकने वाले नहीं हैं, चाहे बैरिकेटिंग हो चाहे कुछ, हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। कुछ कांग्रेसी नेताओं से यहाँ पर बातचीत करते हैं। ये बताइए सर, आज जिस तरह से राजभवन का घेराव करने की तैयारी है, बड़ा भारी पुलिस बल देखिए लगा, पीएसी भी लगा। पुलिस बल तो सरकार का काम है कि पुलिस दल तो लगा ही देती है, क्योंकि इस सरकार को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। जा पाएंगे आप? बच गए, हम प्रयास करेंगे और जरूर पहुंचेंगे। क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या क्या मांग? महंगाई, जिस तरह एक उद्योगपति के हितों के लिए सरकार खड़ी है, पूरे देश के हितों को नकार कर, इन सब के खिलाफ विरोध में हम लोग राजभवन पहुंचेंगे। प्रदेश भर से कार्यकर्ता रहेंगे? हाँ, प्रदेश भर से। तो यहाँ पर देखिए और भी तमाम जो नेता हैं वो मौजूद हैं, इन लोगों से भी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कुछ महिला नेता जो हैं कांग्रेस के, वो भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस समय पहुँच रहे हैं, इन लोगों से बात करते हैं। मैडम जी, क्या नाम है आप? विनीता राजवंशी। कहाँ से आए आप? मैं सीतापुर से आई हूँ। आज ये राजभवन का घेराव करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जो हमारा किसानों को पैसा SBI बैंक का और ये सब मोदी जी ये सब कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारे देश का पैसा है, किसानों का है, तो ये सब नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए तमाम और नेता जो कांग्रेस के सेवा दल के लोग हैं, इसके अलावा जो कांग्रेस के अन्य तमाम कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं समय बैठे हुए हैं। कुछ और लोगों से भी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, सेवा दल के लोग। जी क्या नाम? मेरा नाम राजेश सिंह काली, मैं अध्यक्ष हूँ कांग्रेस सेवा दल मध्यजोन का। ये बताइए, आप लोग तो सेवा दल के लोग हैं, आप लोग भी इस धरना प्रदर्शन में आज शामिल रहेंगे? धरना प्रदर्शन नहीं, हम गांधीवादी तरीके की पार्टी के लोग हैं, महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। हम लोग इस जो जिस तरीका का हम लोग गवर्नर राव जाने का हम लोग प्रयास करेंगे, महामहिम को ज्ञापन देंगे कि अडानी गोदानी जो ये सब चल रहा है, अर्थव्यवस्था कानून व्यवस्था बेरोजगारी को लेकर, हम सब गांधीवादी तरीके से उनको ज्ञापन देने जा रहे हैं। जा पाएंगे? यहाँ तो इतनी पुलिस लग गई, देखिए पुलिस कमिश्नरेट की बस है, इधर पीएसी खड़ी है, बैरिकेटिंग लगी है, निकल पाएंगे यहाँ? देखिए हमारा मैंने क्या कहा कि हम गांधीवादी तरीके से राजभवन जाएंगे, हम महात्मा गांधी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, हम अनुशासित। कुछ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं आज बैरिकेटिंग भी रोक नहीं पाएगी हम। देखिए कांग्रेस है, जोश के साथ हम लोग होश भी रखते हैं, कांग्रेस में जोश की कमी नहीं। हमने तो आंदोलन किया, अंग्रेजों से हमने मोर्चा संभाला है, आगे फ्रंट लाइन में हमने लाठियाँ खाई हैं, गोलियाँ खाई हैं, जेल काटे, तो हम तो गांधीवादी तरीके के लोग हैं, महात्मा गांधी के अनुयायी, हम लोग गांधीवादी तरीके से गवर्नर राव जाने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पुलिस और ये बैरिकेटिंग आप देख सकते हैं, जो ये रास्ता पूरा बाहर निकला हुआ है, माल एवेन्यू इलाका कहलाता है ये, यहाँ पर हर थोड़ी दूरी पर चप्पे चप्पे पर इसी तरह से पुलिस और बैरिकेटिंग जो है वो आज देखने को मिल रही है। बहरहाल करीब 11 बजे से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो यहाँ से राजभवन कूच करने की तैयारी में है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।